तो पावर क्यूरी में हम बात कर रहे हैं ऐड कॉलम वाले सिस्टम सेक्शंस में। तो और वाले सेक्शंस में ये आपका कस्टम ऐड कस्टम कॉलम, तो कॉलम ऐड करना, कैलकुलेट करना, उसके अंदर फॉर्मूला लगाना, ये हम बात करेंगे। इसके लिए अलग सिस्टम तैयार करेंगे। उसके अलावा क्या क्या उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आता है कंडीशनल कॉलम। मान लीजिए मुझे इस पे मेरे पास क्या है, क्वांटिटीज है, मुझे इंसेंटिव देना है। इंसेंटिव में सिंपल जो ग्रेटर देन 50 सेल किया है उनको 5000 का इंसेंटिव, बाकियों को जीरो हमको देना है, सिंपल सा। तो हम यहाँ कंडीशनल कॉलम पे आएंगे और यहाँ से अपना नाम दे देंगे। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने नाम INC। अब किस कॉलम में लगाना है आपको, तो हमने बोला क्वांटिटी में लगाना है। और क्या है, हमने बोला कि इज ग्रेटर देन, और हमने बोला कि 50, तो क्या आना चाहिए वैल्यू, तो 5000। अभी फिलहाल हम एक केस किया हुआ है और एल्स में हमने जीरो कर दिया एंड ओके कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि 5000 से जो ऊपर वाले वैल्यूज है ना, वही आया, उससे नीचे की वैल्यूज नहीं आए। अब चलिए एक और कंडीशन कॉलम लगाते हैं। इसमें क्या है कि आपको 50 to 80 वाले को 800 का एडिशनल इंसेंटिव देना है। यहाँ पे एड एडिशनल INC हमने लिखा हुआ है और इसमें हमने लिख दिया आपको कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। एड क्यों हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हमें ये देना है, इज लेस देन 50, तो यहाँ पे जीरो आना चाहिए। और यहाँ पे हमने बोला एल्स क्वांटिटी इज लेस देन, हमने बोला 80, तो यहाँ पे 800 आना चाहिए, क्योंकि लेस देन 50 आते ही जीरो देगा। लेस देन 50 नहीं होगा, उसको लेस देन 80 यहाँ पे करेगा, अदरवाइज ये यहाँ जीरो एंड ओके कर देगा। एक कॉलम यहाँ पे आपका ऐड हो गया। आप देख पा रहे हैं कि ये 50 to 80 वाले को ही 800 दे रहा है। इस तरह के हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं। उसके बाद इंडेक्स कॉलम। अब मान लीजिए कोई आईडी वगैरह नहीं है तो इसको आप यहाँ के इंडेक्स कॉलम करेंगे, तो ये आपको सारे कॉलम के यहाँ इंडेक्स जोड़ के देगा कि कितने जीरो से लेके सीक्वेंस स्टार्ट करेगा, इंडेक्स दे देगा। और इंडेक्स कॉलम में यहाँ फ्रॉम जीरो से करना है, वन से करना है, या कस्टम भी दे सकते हैं यहाँ पे कि मुझे 5000 स्टार्ट करना, एक इंक्रीमेंट देना है। इस तरह की भी आईडी जनरेट की जा सकती है इंडेक्स कॉलम में। अब आती है डुप्लीकेट कॉलम। जैसे मान लीजिए कि मुझे क्वांटिटी पे और भी बहुत सारे चीज़ें करनी है, तो डुप्लीकेट कॉलम पे क्लिक करेंगे, तो डुप्लीकेट कॉलम क्लिक करते ही इसकी एक कॉपी बन जाएगी। अब इसके ऊपर बाकी जो कैलकुलेशन आप करना चाहते हो कर सकते हो, जैसे राउंडिंग करना है या ऑड इवन चेक करना है या कोई फॉर्मूला स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें हमने ट्रांसपोज वाली चीज़ों में आपके साथ डिस्कस किया था, ये करना है या आपको ट्रैक करना है टेक्स्ट के ऊपर, ये सारी चीज़ें भी हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो क्लासेस शुरू होगी वो शुरू होगी कस्टम कॉलम तक की, आपकी पावर क्वेरी में यूज होने वाले फॉर्मूला से। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मूला। थैंक यू।